साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। उसे ही उन्होंने अपना तकिया बनाकर रखा था। दरअसल यह ईंट उस वक्त की है जब साईं बाबा वैकुंशा के आश्रम में पढ़ते थे। वैकुंशा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से वैर रखते थे, लेकिन वैकुंशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंशा सामने आए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर तीन लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये तीन लपेटे संसार से मुक्त होने, ज्ञान और सुरक्षा की हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। उसके बाद बाबा ने जीवन भर उस ईंट को संभाल कर रखा और अपने सिरहाने के रूप में उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। सन 1918 ईस्वी के सितंबर माह में दशहरे से कुछ दिन पूर्व मस्जिद की सफाई करते वक्त बाबा के एक भक्त माधव फासले के हाथ में वह ईंट गिरकर टूट गई। द्वारका माई में उपस्थित भक्तगण स्तब्ध रह गए। साईं बाबा ने भिक्षा से लौटकर उस टूटी हुई ईंट को देखा तो मुस्कुरा कर बोले, यह ईंट मेरी जीवन संगिनी थी, अब यह टूट गई है तो समझ लो कि मेरा भी समय आ गया है। तब से बाबा महासमाधि के लिए तैयारी करने लगे। हालांकि यह भी कहा जाता है कि दशहरे के कुछ दिन पहले साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को दशहरे पर तात्या की मृत्यु की बात कही थी। तात्या वैजाबाई के पुत्र थे और वैजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करते थे। साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया और उन्होंने तात्या की जगह खुद के शरीर का बलिदान दे दिया। यह है साईं बाबा की ईंट की कहानी।